नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। अगर जो आप बीएड एग्जाम 2022 देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। परफेक्ट, कंप्लीटली वीडियो आपके लिए बनाया। और आपने अगर जो बीएड का एग्जाम देना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन क्लिक करके जाना, क्योंकि आने वाले सारी वीडियो जो क्लासेस भी होंगी वो बीएड एग्जाम को जो एंट्रेंस होगा उसको ध्यान में रख के बनाई जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें अभी वर्तमान में जो एक समस्या निकल कर, बीएड पाठ्यक्रम क्या होगा, क्या बीएड वन ईयर का होगा, तो ये सारी चीजें चल रही हैं और कब तक फॉर्म आएगा, कब तक एग्जाम होगा, सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें जो निकल के आ रहा है अभी, एनटीसीई आप सर्च करोगे ट्विटर पे, तो उस ट्विटर पे ऑफिशियली ट्विटर है तो इसमें वहां पे एक स्लाइड आपको 8 तारीख को डाला गया था, 8 फरवरी को, उसमें दिया गया था एनटीसीई उत्तर प्रदेश में 1 ईयर का बीएड का पाठ्यक्रम लॉन्च कर रहा है। तो 1 ईयर का पाठ्यक्रम होगा, तो क्या आपको पता है बीएड की योग्यता क्या होती है बीएड करने के लिए, कि ग्रेजुएशन पास है, बीए फाइनल ईयर का एग्जाम दिए हैं या है, तो आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर जो ये हो गया 1 ईयर का, अगर जो ये हो गया 1 ईयर का, तो क्या ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं इस 1 ईयर के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले पाएंगे? तो ये आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बीएड 1 ईयर का हो जाएगा, आप ग्रेजुएशन में तो 1 ईयर का ले सकते हो। ठीक है, 1 ईयर क्या है, कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे क्या फॉर्म कब तक आएगा। तो यहाँ पे बात करें, इसके लिए कंडीशन ये है कि बीएड जो पाठ्यक्रम होगा वो 1 ईयर का भी होगा, ठीक है, और 2 ईयर का भी होगा, जो पहले जैसा होता चला आ रहा है। ठीक, 1 ईयर किन के लिए होगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका मास्टर्स करके बैठे हैं, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे हम बात करें एमए करके बैठे हैं, एमबीए करके बैठे हैं, ठीक, या फिर बीटेक के बाद एमटेक करके बैठे हैं, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी वाले कोर्सेज कर चुके हैं, उनको अगर जो बीएड में एडमिशन लेना है तो उनके लिए यहाँ पे 1 ईयर का पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो गलत फहमी जो भी चीजें लोगों बता रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, सिंपली भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपको अगर जो आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको जैसे जिस प्रकार से पहले से चलता चला आ रहा है उसी प्रकार से आपको 1 ईयर के पाठ्यक्रम, सॉरी 2 ईयर के पाठ्यक्रम में आपको देना पड़ेगा। फॉर्म की बात करें, फॉर्म कब तक आएगा, फॉर्म अब तक आ जाना चाहिए था, अब नहीं आया तो ध्यान रखिएगा फरवरी जो है, फरवरी लास्ट वीक, या फिर फरवरी लास्ट वीक में नहीं आता तो मार्च फर्स्ट वीक में संभावना है आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, कौन भर सकता है, मैंने बताया कि अगर जो आप एमए पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन किए तब भी फॉर्म भर सकते हो, ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा 50% मार्क्स हैं आपके, ग्रेजुएशन में 50% मार्क है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में अगर जो हम बात करें, तो हमने बताया यहाँ पे फरवरी लास्ट या मार्च में आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की बात करें एकदम ध्यान रखिएगा अप्रैल लास्ट में, अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने की संभावना हो सकती है। ठीक, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप लोग ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग अगर जो बनवाना चाहते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप कोशिश करके अभी बनवा लीजिए, और ओबीसी एससी एसटी जो चीजें हैं वो सब तैयार रहिएगा, जैसे फॉर्म आता है आप लोग पहला काम वो करिएगा, अप्लाई दे दीजिएगा। ठीक, क्योंकि आप जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी कैटेगरी का, कि किस कैटेगरी से होते हैं, कब से कब तक का आपको सर्टिफिकेट लगाना है, तो वो सब लोग आप उसी हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो ये चीजें थी यूपी बीएड, मैंने बताया फॉर्म आपका फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आ सकता है, एग्जाम अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो सकता है, 50% जिनका ग्रेजुएशन में वो फॉर्म भर सकते हैं, और 1 ईयर के पाठ्यक्रम के बारे में सीधा साधा बताया कि भाई जो अगर जो आपने पीजी किया तो आप 1 ईयर के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 ईयर कर सकते हो, और होनी भी चाहिए भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको इतनी तो छूट मिलनी चाहिए, और 2 ईयर उनके लिए है, जैसा ग्रेजुएशन जो करके जाएंगे उनको 2 ईयर का ही देना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको चीजें समझ में आए, क्लियर हुई होंगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता है इस वीडियो में, जय दोस्तों, जय भारत।